मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप रैकेट का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मामले में अब एक के बाद एक खुलासे शुरू हो गए हैं। रैकेट के तार देश के कई राज्यों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। एटीएस ने इंदौर से इस रैकेट से जुड़ी दो युवतियों को जहां गिरफ्तार किया, वहीं कल भोपाल में गिरफ्तार दो युवतियां और बरखा भटनागर को इंदौर लाया गया। इन युवतियों ने कई राज उगलना शुरू किए हैं। गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है और सरकार गंभीरता से काम कर रही है। कानून अपना काम कर रहा है और अपनी लाइन पे चलेगा कानून, जो अपनी लाइन बनी हुई है। वहीं इस बीच इंदौर एसएसपी रुचिवर्धन मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई खुलासे किए। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में श्वेता जैन, आरती दयाल, मोनिका यादव सहित पांच युवतियों और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल में इन युवतियों को गिरफ्तार कर इंदौर पुलिस को सौंप दिया गया था, जहां उनसे लगातार पूछताछ की गई है। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।